नमस्कार दोस्तों, बीएचपी सैनिक एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम अर्थव्यवस्था प्रारंभ कर रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर। ऐसे अभ्यर्थी जो माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तथा वे स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हम इसमें कक्षा 10, 11 और 12 के एनसीईआरटी में सम्मिलित अर्थव्यवस्था के जो है विभिन्न प्रकार के विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे अवधारणात्मक स्तर पर आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में समझ जो है वो विकसित हो पाएगी। और प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में आपको प्रश्न के उत्तर लिखने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि जब वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका दायरा, उसका पृष्ठभूमि अवधारणात्मक होता है, जिससे आपको लिखने में जो है एक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, एक इंटरकनेक्टेड स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है, जो आगे पीछे उसके कारण प्रभाव विशेषता के रूप में जुड़ा हुआ होता है। अर्थव्यवस्था में कई ऐसे विषय होते हैं जो छोटे छोटे अवधारणाओं से संबंधित होते हैं, और उन सभी को लेकर के हम लोग अर्थव्यवस्था पर एनसीईआरटी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्लास प्रारंभ करेंगे। तो आज हम कक्षा 10 का पहला जो चैप्टर है वो पालमपुर गांव की कहानी। बेसिकली पालमपुर गांव की कहानी यह एक कृत्रिम गांव है, जिसके माध्यम से भारत के उन तमाम गांवों की विशेषता को बताने का प्रयास किया गया है जो हमारे भारतीय समाज में दिखाई पड़ता है। पालमपुर गांव एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर 450 परिवार रहते हैं। उन परिवारों की गतिविधियों को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखने का यहां पर प्रयास किया गया है, और ये बताया गया है कि वहां पर जो मूल रूप से कार्य है वो कृषि है। कृषि के साथ साथ वहां पर डेयरी उद्योग, लघु निर्माण उद्योग, परिवहन इत्यादि के कुछ गैर कृषि से संबंधित जो है कार्य भी किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो कृषि और गैर कृषि, ये दो भागों में जो है गतिविधियों को, पालमपुर गांव की कहानी को और वहां के लोगों की जो है गतिविधियों पर आधारित कार्यों को वर्गीकृत किया गया है कि कृषि कार्य, यानी कि खेती में जो विभिन्न प्रकार के अनाजों को उत्पादित करते हैं वो कृषि के अंतर्गत आते हैं, और कृषि से अलग जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आती हैं। इसमें लघु निर्माण, डेयरी, परिवहन इत्यादि से संबंधित आर्थिक गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम पालमपुर गांव की विशेषताओं को थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। बेसिकली यह एक कृषि पर आधारित जो है गाँव है, 450 घर परिवार वहां पर रहते हैं, उसमें से 80 या 100 ऐसे परिवार हैं जिनके आर्थिक स्थिति मजबूत है, उनके पास भूमि के अच्छे टुकड़े हैं, क्षेत्रफल हैं जिन पे वो कृषि कार्य करते हैं। वहां पर नलकूप से सिंचाई किया जाता है, इसके लिए जो है विद्युत की भी व्यवस्था है, विद्युत से चालित जो नलकूप हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और शिक्षा की व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा गाँव है जहाँ पर आधुनिक समय में जो भी बुनियादी जरूरतें हैं वो विद्यमान हैं, लेकिन उनका जो मूल है वो कृषि कार्यों पर आधारित है। वह अपने आप में लगभग लगभग आत्मनिर्भर भी हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर जरूरत की चीज़ें अपने पास से मिल जाती हैं, या अपने कृषि से जो अतिरेक होता है उनकी बिक्री के द्वारा अपनी जरूरतों को वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये पालमपुर गाँव की एक कहानी है जिसका जो है हम लोग आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो कृषि और गैर कृषि कार्य में, तो कृषि कार्य यहाँ का जो मुख्य आर्थिक गतिविधि है, अब उस आर्थिक गतिविधि को संचालित करने के लिए कई प्रकार के साधनों की जरूरत होती है। साधन से तात्पर्य उन कारकों से होता है जिनका की जो है उत्पादन में प्रयोग होता है, और प्रयोग के बाद उनसे जो है इच्छित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, सेवाएं जिनको हम देख तो नहीं सकते हैं, फिर भी उनका अपना मूल्य होता है, और वह मूल्य मिल करके देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और देश के जो है सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो है आधार बनते हैं। आने वाले समय में GDP, NNP ये सारी चीज़ें क्या हैं इसको देखेंगे, लेकिन एक वर्ष के अंतर्गत
एक वर्ष में अगर देखा जाए तो देश के अंतर्गत जितनी भी अंतिम रूप से वस्तुएं और सेवाएं बनती हैं उनका मूल्य जोड़ करके देश की जो है अर्थव्यवस्था में जो है सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य निकाला जाता है और इससे किसी भी देश के विकास के स्तर को मापा जाता है, वहां रहने वाले लोगों के प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है, देश की समृद्धि इससे तय होती है। तो उसे हम आगे आने वाले समय में भी देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हम उत्पादन के साधनों पर चर्चा करेंगे। उत्पादन के साधन, क्योंकि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन करने के लिए कई प्रकार के जो है साधनों की आवश्यकता होती है जिनको प्रयोग में लाया जाता है और उसके बाद हम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो मूल रूप से चार प्रकार की जो है साधनों की बात होती है। एक है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये हो गया। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन से तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसे व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जाता है और व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, प्रकृति प्रदत्त है और प्रकृति की भौतिक रासायनिक जैविक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरणीय दशाओं के अंतर्गत एक दीर्घ काल में उसका निर्माण होता है और भूमि उसी की श्रेणी का एक जो है प्रकृति प्रदत्त जो है साधन है। इसके अंतर्गत जैसे हवा है, वन है, जल है, ये सारी जो है वो प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो एक जो है भूमि हो गया, अभी हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में भी चर्चा करेंगे। दूसरा है जो है श्रम। श्रम का तात्पर्य है कि कृषि के अंतर्गत अगर उत्पादन भी कार्य किया जा रहा है तो वहां पर जो है विभिन्न प्रकार के जो साधन है उनको गतिशीलता प्रदान करने के लिए श्रम प्रयोग में लाया जाता है। ये व्यक्तियों के द्वारा जो है सामान्यतया किया जाता है, यद्यपि मशीनें भी आती हैं जहां हम मशीनों को प्रयोग करते श्रम को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। प्रतिस्थापित का मतलब यह है कि जहां 100 लोग काम कर रहे हैं, अगर मशीनें वहां पर प्रयोग में लाई जाती तो वो काम 20 लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनका प्रतिस्थापन हो रहा है। ये आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीक के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस, विभिन्न प्रकार के औजार, मशीन इत्यादि के द्वारा संभव हो रहा है। तो ये श्रम जो है दूसरे स्थान पे है। पूंजी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पूंजी एक ऐसा कारक है जो तात्कालिक रूप से आवश्यकताओं को पूरा करने का एक आधार प्रदान करता है। पूंजी में भी दो प्रकार की जो है पूंजी है, एक जो है अस्थाई पूंजी है और एक जो है कार्यशील पूंजी है। ये पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के गांव की अर्थव्यवस्था को बताने का प्रयास किया जा रहा है और उसके अंतर्गत कुछ आर्थिक शब्दावलियों का प्रयोग, जैसे गैर कृषि गतिविधियां और कृषि से संबंधित जो है आर्थिक गतिविधियां। तो ये सब बातों को, इन सब अवधारणाओं को, इन सब शब्दावलियों को समझते हुए चलना है, क्योंकि आने वाले समय में इससे संबंधित सवालों को हल करने में मदद मिलेगी और मुख्य परीक्षा में जहां से एप्लीकेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, वहां आपको उन सवालों को हल करने में आपके मस्तिष्क में एक समझ विकसित करेगा और उसके आधार पर आपको प्रश्न को हल करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, दो तरीके की पूंजी भी आ गई। अस्थायी पूंजी ऐसी पूंजी जिनका कि हम प्रयोग प्रारंभ करते हैं और कुछ समय तक हम प्रयोग करते रहते हैं, अर्थात एक बार में ये समाप्त नहीं होते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है भवन हो गया, मशीनें हो गई और औजार हो गए, इन सब का उल्लेख पुस्तकों में भी किया गया है। औजार है, मशीनें हैं, भवन है, इनका हम एक बार भी प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग धीरे धीरे करते हैं। इसमें ह्रास होता है, ह्रास का मतलब घिसावट होता है, जंग लगता है, पुरानी होती है, इसका मूल्य कम होता है, लेकिन एक बार में ये समाप्त नहीं होती है, इसीलिए इसको अस्थाई पूंजी। कार्यशील पूंजी का तात्पर्य जो है ऐसे पूंजी से है जिसका प्रयोग किया जाता है, बार बार हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, एक बार प्रयोग किया जाता है और वो समाप्त हो जाता है। अब इसके अंतर्गत जो है कच्चे माल और पूंजी,
जैसे बीज हो गया, उर्वरक हो गया, ये सब प्रकार की जो है कीटनाशक हो गया, इसका प्रयोग हम एक बार करते हैं और यह समाप्त हो जाता है, इसलिए ये जो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। अब ये सारी चीजों को हम पुस्तकों में भौतिक पूंजी के रूप में अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये जो है इसका एक एग्जिस्टेंस होता है, इस अस्तित्व होता है, इसको देखा जा सकता है, इसको छुआ जा सकता है। और दूसरा है पूंजी। पूंजी का मतलब है कि तरल जो है पदार्थ से है, तरलता का तात्पर्य होता है जिससे द्वारा हम किसी चीज को खरीद सकते हैं, वो जो होती है तरलता होती है, और ये जो पूंजी है। तो ये पूरी चीजों को हम भौतिक पूंजी के रूप में किताबों में अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे ही लिख दिया। तो बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, पूंजी, ये सारी चीजें कार्यशील के रूप में। जैसा पूंजी का मतलब ये हो गया, आपके पास 3,000 रुपए है, आपको उर्वरक या बीज या कीटनाशक लेना है, तो आप अगर उससे खरीदते हैं तो वह पैसा समाप्त हो जाता है, हम उसका बार बार प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह हो जाता है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। अगला है उद्यम। उद्यम के लिए अलग से एक चैप्टर निर्धारित किया गया है, अगला आप लोगों के लिए, जिसे मानव पूंजी के रूप में जाना जाता है। मानव पूंजी के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, यानी कि जिन व्यक्तियों के द्वारा भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि का जो प्रबंधन किया जाता है और उनका अनुकूलतम प्रयोग करके हुए अधिक से अधिक मात्रा और गुणवत्ता की वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ऐसे लोगों के जो है कौशल को, ऐसे लोगों की क्षमता को ही जो है उद्यम कहा जाता है, और यह कार्य जो है मानव पूंजी की श्रेणी में आता है, जिसे हम अगले चैप्टर के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी आज के इस चैप्टर में हम लोग भूमि, श्रम, पूंजी को थोड़ा सा जो है विस्तृत रूप में, थोड़ा सा व्यापक रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो भूमि के बारे में हम लोग ये देखेंगे, जो चैप्टर में जो है कक्षा 10 के एनसीईआरटी के अर्थव्यवस्था के पुस्तक में पहला लेसन है, उसमें भूमि के बारे में बताया गया है कि भूमि जो है वो स्थिर है, इसकी ये विशेषता। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम छोटे स्तरों पर ले लें, यद्यपि ये देश की भी अर्थव्यवस्था में है कि भूमि का जो क्षेत्रफल है वो स्थिर है, वो बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। इसको एक कहानी के भी माध्यम से जो है बताया जा सकता है कि यदि 1970 में एक व्यक्ति जिनके 4 संतान हैं, 4 पुत्र हैं, और उनके पास अगर 12 जो है एकड़ जमीन है, तो बाद में उनके न रहने पर उनके बच्चों में वो जमीन वितरित हो जाती है, वो भूमि का टुकड़ा वितरित हो जाता है, तो प्रति व्यक्ति यानी कि उनके पुत्रों में 3-3 एकड़ जमीन, तो जिस व्यक्ति के पास 12 एकड़ जमीन थी वो जितनी मात्रा में उत्पादन करता था, जितना उसके पास बचता था, अब वह उतना बचत नहीं कर पाता है, क्योंकि वह जमीन जो है 4 भागों में बट जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि भूमि तो स्थिर है, लेकिन उसका जो वितरण है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, उसका स्वरूप बदलता जा रहा है, वो उसकी जो है उसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बदल रही है, उसके स्वामित्व में परिवर्तन हो रहा है, कोई किसी को जमीन बेच दे रहा, कोई खरीद ले रहा। तो इन आधारों पर जो जमीन स्थिर, भूमि जो है स्थिर है, लेकिन उसका जो है वितरण, इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये प्रभावित हो रहा है। जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा था कि 450 जो है परिवार थे, और उसमें 80 परिवार ऐसे थे जो बड़े किसान थे, जिनके पास भूमि की मात्रा ज्यादा थी। हमारे अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के जो है किसानों को भी जो है यहाँ पे बताया गया है। एक जो है बड़े जो है किसान है, मझोले हैं, और जो है सीमांत। यहां पे एक शब्द मिलता है सीमांत। किसी भी इकाई, किसी भी वस्तु का जो है अंतिम भाग या सबसे छोटा भाग या समाप्त होता हुआ हिस्सा जो है वो सीमांत कहलाता है। इसी तरीके से किसानों के लिए भी यह शब्द प्रयोग में लाया गया है, यानी कि कृषक जो है 3 जो है प्रकार से हैं, बड़े किसान, मझोले किसान और सीमांत किसान। इनके जो है 1 हेक्टेयर से जो है
कम जमीन इनके पास जो होती है। और ये जो है सामान्यता इसका वर्गीकरण कई आधारों पर कई पुस्तकों में किया गया है। सामान्यता जो है ये दो एक से जो है दो हेक्टेयर के बीच, और ये जो है दो से जो है ज्यादा जिनके पास हेक्टेयर से जमीन है। एक हेक्टेयर भूमि के मापन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली इकाई को जो है यहां पे जो खेती किसानी के संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है, कृषि में प्रयोग में लाया जाता है, वो जो है हेक्टेयर होता है, जिसे सामान्यता और व्यवहार की भाषा में जो है बीघा के नाम से जाना जाता है। एक हेक्टेयर में जो है चार बीघे होते हैं, या इसको और थोड़ा सा पैमाने में देखा जाए तो 100 जो है वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर की जमीन को जो है एक हेक्टेयर जो है कहा जाता है। एक हेक्टेयर कहा जाता है यानी कि 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, इसके जो है अंदर जो भी जमीन आएगी वो एक हेक्टेयर के अंतर्गत होगी। और एक हेक्टेयर में चार बीघे होते हैं और एक बीघा में जो है 20 विश्वा होता है। तो इस तरीके से जो है भूमि के मापन की जो इकाई है वो एक हेक्टेयर है, और एक हेक्टेयर में जो है चार बीघे होते हैं, एक बीघे में जो 20 विश्वा होता है। तो इस तरीके से भूमि के मापन की जो है ये इकाई आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो किसानों के बारे में जो है सीमांत किसान अगर कहा जाता है तो उसका मतलब सबसे छोटे किसान, जिनके पास बहुत छोटी मात्रा बहुत छोटे क्षेत्रफल की भूमि है, जिसके जिस भूमि पर कभी कभार वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें श्रमिक के रूप में भी काम करना पड़ेगा, जो कि हमें भी आगे जो है देखेंगे। तो इस तरीके से भूमि जहाँ स्थिर है, भूमि जो है वितरण में जो देखा आपने कि किस तरीके से है कि 80 लोगों के पास जो है ज्यादा जो है भूमि है, इसी तरीके से जो है लगभग 150 लोगों के पास जो है मझोले हैं, और इसी तरीके से 200 के आसपास लोग जो हैं वो 150 से 100 के बीच में है, जिनकी सीमांत स्थिति है, यानी कि एक हेक्टेयर से भी जो है कम भूमि उनके पास है। तो ये जो है स्थिति वितरण की जो है रही है। अब यहाँ पे ये उत्पन्न होता है स्थिति कि क्या उत्पादन को जो है बढ़ाया जा सकता है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, क्या जो है उत्पादन को जो है हम बढ़ा सकते हैं। भाई हमारे पास भूमि का टुकड़ा निश्चित है, अगर किसी के पास 3 हेक्टेयर है तो 3 हेक्टेयर जमीन है, अब हम उस पे उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो पालमपुर गांव की कहानी है वो चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पे गन्ने की खेती, इसी तरीके से आलू की खेती, मक्के की खेती, गेहूं की खेती इत्यादि की जाती है, जो कि हमारे भारतीय समाज के गांव में किया जाता है उत्पादन। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी किया जा रहा है। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए 2 साधनों की जो है यहाँ पे बात कही गई है, बहुविध फसल और दूसरा जो है आधुनिक तकनीक, आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि। ये 2 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा बढ़ाया, आधुनिक तकनीक और बहुविध। हम बताएंगे कि एक वर्ष में किसी भी जो है फसल, किस एक वर्ष के अंतर्गत किसी खेत में, किसी खेत क्षेत्रफल में जो है 2 या इससे अधिक फसलों को उगाया जाना जो है बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। क्योंकि अगर एक ही फसल उगाया जाएगा तो कम उत्पादन होगा, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है तो वो विधि जो है बहुविध फसल प्रणाली कही जाती है। प्रारंभ में जनसंख्या कम थी तो लोगों को खाद्यान्न की आवश्यकता कम होती थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी खाद्यान्न की मात्रा अधिक जरूरत पड़ने लगी, और उसके कारण से जो बहुविध फसल प्रणाली विकसित की गई। सामान्यतः ये 1970 के दशक में जो है आता है, वहां से बहुविध फसल प्रणाली जो है अपनाई जाती है, क्योंकि वहां से जो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बहुविध फसल प्रणाली को जो है आपने उदाहरण के रूप में यहाँ पे देख लिया कि किसे कहा जाता है। अब इसमें जो है आधुनिक तकनीक, जैसे आधुनिक तकनीक और आधुनिक तरीके से जो कृषि कार्य किया जाता है उसमें 3 प्रकार की जो बातें कही गई हैं। एक तो है बीज, उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई। इन 3 का जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल है,
और ये तीनों ही जो है हरित क्रांति के नाम से जानी गई। ये तीनों ही जो है फैक्टर, ये तीनों ही जो कारक जिसे हम आधुनिक तरीके से कृषि करना कहते हैं के माध्यम से जो है 1967 में जो हरित क्रांति अपनाई गई उसके द्वारा कृषि करना प्रारंभ किया गया, जिससे हमारे देश में अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई और बढ़ती हुई जनसंख्या के आवश्यकताओं को पूरा किया जाना संभव होने लगा। तो बीज के अंतर्गत पहले क्या होता था कि कृषक जो इस बार उत्पादन किए हैं उसमें से कुछ खाने के लिए रख लेते थे और कुछ बीज के रूप में अगले साल बोने के लिए रख लेते थे और बचे हुए जो है खाद्यान्न की बिक्री कर लेते थे। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने लगी, खाद्यान्न के जरूरत बढ़ने लगी, तो ये हुआ कि इन परंपरागत तरीके से जो है खेती की जा रही है और जो परंपरागत बीज प्रयोग में लाए जा रहे हैं उससे उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ उन्नत किस्म के बीज जिसे जिसके माध्यम से जो उत्पादन को बढ़ाने का जो है प्रयास किया गया। तो ये जो है बीज एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है जो कि आधुनिक तकनीक और आधुनिक तरीके से कृषि करने पर बल देता है। और दूसरा है उर्वरक। उर्वरक के अंतर्गत प्रारंभ में जो है खेतों में जो है उर्वरक नहीं डाली जाती थी और जिससे जो है भूमि की क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पा रहा था, पूरी तरीके से हम उपयोग नहीं कर पाते थे। तो उर्वरक के प्रयोग से हम निश्चित समय में फसलों की वृद्धि और उत्पादन को बढ़ाने में जो है सफल हुए। इसके अंतर्गत जो है यूरिया, डीएपी खाद जिसके अंतर्गत जो है डाई अमोनिया फास्फेट होता है, इसी तरीके से जिंक, ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। यूरिया में जो है नाइट्रोजन या नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 46% होती है। कई बार सवाल भी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोगों के स्तर पर इसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे जानने का प्रयास करते रहेंगे तो कहानी के रूप में अर्थव्यवस्था आपको समझ में आती रहेगी। तो उर्वरक जो है यहाँ पे एक फैक्टर बना। लेकिन उर्वरक जब किसी भी क्षेत्र में जो है ज्यादा प्रयोग किया जाता, खेत में प्रयोग किया जाता है, तो वहां सिंचाई की जरूरत होती है, सिंचाई की जरूरत होती है ताकि हम उसकी वृद्धि को जो है बढ़ा सके। और जब उर्वरक ज्यादा डाला जाएगा तो उसकी भूख पौधे की बढ़ेगी और सिंचाई के माध्यम से उसे जो है जमीन से जो कोई पोषण मिल सकता है उसको बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से बीज, उर्वरक और सिंचाई जो कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि पर बल देता है और जिसे 1967 ईस्वी में हरित क्रांति के रूप में जो है भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही तरीके जो है देश में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो ये थी जो है उत्पादन बढ़ाने के तरीके। यहां पर एक ये है कि क्या भूमि धारण कर पाएगी, ये जो तकनीक है, एक ये है, दो है, तीन है और चार, ये भूमि के संदर्भ में क्या धारण कर पाएगी। धारण करने का मतलब ये है कि जो बहुविध फसल प्रणाली है और आधुनिक तरीकों से खेती करने की बात है वो जो है भूमि के साथ उपयुक्त होगा या भूमि पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी को कहा गया है यहाँ पे धार करने की। जैसे ये है कि जब हम सिंचाई ज्यादा करेंगे, नलकूपों के माध्यम करेंगे, तो हमारे भौम जल स्तर यानी कि भूमि के नीचे जो जल स्तर जिसे हम नल से पानी निकालते हैं, नलकूप से निकालते हैं, कुएं का एक जल स्तर दिखाई पड़ता है। अब तो कुएं कम हो रहे हैं, प्राचीन काल में कुएं बहुत होते जिससे हम पानी राहट के माध्यम से निकालते थे, खेतों की सिंचाई इत्यादि का कार्य करते थे। तो कहने का मतलब यह है कि भौम जल स्तर घटेगा, उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग करने पर जमीन के अंतर्गत छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं, लाभदायक जीव हैं, वो मर जाते हैं, जिससे उसके आने वाले समय में उर्वरता प्रभावित होती है। अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने पर वो जल रिस करके धीरे धीरे अंदर जाएगा और जल जो है प्रदूषित हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इन तकनीकों का प्रयोग इस तरीके से करना है ताकि हम भूमि की गुणवत्ता को भी बनाए रख सकें, यानी कहने का मतलब यह है कि हम अपने जरूरत के कृषि उत्पाद को प्राप्त करने के लिए इनका संतुलित रूप में जो प्रयोग करें। संतुलन का तात्पर्य है कि जितनी जरूरत है उतनी ही मात्रा के उर्वरक खाद
इत्यादि का जो है प्रयोग करें, जल का दुरुपयोग न करें। जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल की समस्या गर्मी के सीजन में उत्पन्न हो रही है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक ये समझ पैदा करना है और आसपास के लोगों को इस समझ से परिचित भी कराना है कि पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, केवल उतनी ही जल का प्रयोग करो जितना कि आवश्यक हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भूमि के संदर्भ में कि भूमि स्थिर है, भूमि का वितरण किस तरीके से पालमपुर गांव में है और उत्पादन बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और क्या ये तरीके जो है भूमि के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। तो इस तरीके से ये भूमि के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया। और अगला हम लोग देखेंगे श्रम। कृषि कार्य करने के लिए खेती में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना होता है, कार्यों को संपादित करना होता है, जिसके लिए श्रम की आवश्यकता होती है। यह श्रम सामान्यतः व्यक्तियों के द्वारा जो है किया जाता है। पालमपुर गांव के संदर्भ में बताया गया है कि दो प्रकार के लोग हैं, या तो जो है भूमिहीन लोग हैं या तो छोटे मतलब सीमांत, जिसको हम लोगों ने यहां पर देखा था सीमांत कृषक। ये दो तरीके के लोग हैं, भूमिहीन जिनके पास भूमि नहीं है वह श्रमिक के रूप में काम करते हैं, और जो है दूसरे सीमांत जो है किसान हैं जिनके पास बहुत कम क्षेत्रफल की भूमि है, उन्हें अपने जरूरत की चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं, इसलिए ये लोग जो है दूसरे के बड़े किसानों के यहाँ कार्य करते हैं, उसके बदले उनको पारिश्रमिक मिलता है। तो इन लोगों के द्वारा जो है यहाँ पे श्रम का कार्य जो है किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शब्दावली है आर्थिक, हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि संगठित देश में दो प्रकार के जो है संगठित और असंगठित, ये दो प्रकार के जो श्रमिक होते हैं। ऐसा जो है ऐसे श्रमिकों का समूह जो किसी रिकॉर्ड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों में उद्योगों में कार्यरत हैं, जिनके लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, छुट्टी की व्यवस्था है, उनके भविष्य निधि के रूप में खाते का संचालन किया जा रहा है, उन्हें संगठित क्षेत्र कहा जाता है। और असंगठित क्षेत्र ऐसे हैं जिनका कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं लेखांकन नहीं है, कहीं हिसाब किताब नहीं है, ये जहां पर कार्य पाते हैं वहां पर कार्य करते हैं, अपने आजीविका को चलाने का प्रयास करते हैं। भारत में एक बहुत बड़ा जो समूह है लगभग 92% और 8% ही जो है वो संगठित क्षेत्र में जो है काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि संगठित क्षेत्र में जो है वो भारत में जो है काम करने वाले लोगों की संख्या कम है। कहने का मतलब यह है कि जिनको सुविधाएं मिल रही हैं, जिनकी एक व्यवस्था है, जिनके इंश्योरेंस की है बात की जा रही है, उनकी संख्या भारत में कम है, जबकि इसका आंकड़ा बढ़ना चाहिए। ये देश के लिए जो है चिंताजनक स्थिति है और लगभग 92% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो संगठित और असंगठित ये जो है थोड़ा सा एक आर्थिक शब्दावली है जिसको समझना और सोचते हुए समझते हुए सीखते हुए चलना है, ताकि आने वाले समय में हम इन शब्दों से परिचित हो सकें और इनका प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को जो है आकर्षक और प्रभावी बन सकें। तो ये रही व्यवस्था जो है श्रमिकों की, इनके द्वारा जो है खेती में कार्य किया जाता है। और इसे आज के लेक्चर में, आज के इस टॉपिक में पालमपुर गांव जो कि एक कृत्रिम गांव है, जिसके माध्यम से देश के विभिन्न प्रकार के और तमाम गांवों की आर्थिक गतिविधियों को उकेरने का आपके मस्तिष्क पर प्रभाव प्रयास किया जा रहा है। तो ये रही जो है भूमि की जो श्रम की व्यवस्था। इसी तरीके से जो है पूंजी की व्यवस्था। पूंजी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग भौतिक पूंजी का अध्ययन किया, जिसमें स्थाई और कार्यशील, जैसे इसके अंतर्गत भवन, मशीन, औजार, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है। कृषि में भी पूंजी की आवश्यकता होती है। जब कृषि में जो है हम किसी भी फसल को प्रारंभ करते हैं तो उसके शुरुआत से लेकर के, यानी कि जैसे धान है तो धान की रोपाई से लेकर के उसके विकास, निराई, गुड़ाई, सारी चीजों को देखते हुए कटाई तक के जो कार्य होते हैं, तब तक कृषक को कुछ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन उसे पूंजी, जो भी धनराशियां खर्च करनी होती हैं इन भवन मजदूर, मशीन, औजार, उर्वरक, कीटनाशक, इवन की श्रमिकों पर, वो समस्त जो है पूंजी की श्रेणी में आता है। भारत में कृषकों के समक्ष पूंजी की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इनके द्वारा जिन भी कार्यों पर पूंजी खर्च किया जाता है उसमें अनिश्चितता की स्थिति है। उत्पादन के लिए जो है कभी मौसम
साथ नहीं देता है तो उनका उत्पादन प्रभावित होता है और जहाँ से ऋण इनको मिलना होता है उनकी जो है भरपाई नहीं हो पाती है, उनकी वसूली नहीं हो पाती, इसलिए इनको ऋण कोई नहीं देता है। और अगर कोई देता है तो वो बहुत ऊंची ब्याज दर पर देता है। आपके इस पालमपुर गांव की कहानी में जो है सविता नामक जो है किसान की कहानी को बताने का प्रयास किया गया है, जिसे 24% जो है कि ऊंची ब्याज दर पर जो है लोन ऋण दिया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि उसके घर का एक श्रमिक जो है 35 रुपए के दर से बड़े किसान के यहाँ जो है काम करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पूंजी की स्थिति कृषकों के लिए बहुत दयनीय है। और इन्हें पूंजी कहाँ से मिलता है? साहूकार और महाजनों के माध्यम से। तो साहूकार महाजन जो है बहुत ऊंची दर पर ब्याज देते हैं, लोन ब्याज दर पर लोन देते हैं, बहुत ऊंची ब्याज दर पर लोन देते हैं। और ऐसी स्थिति में वो छोटा किसान उसी चक्र में फंसा होता है, क्योंकि उसे अपना उपज भी उन्हीं के यहाँ मजबूरी में बेचना पड़ता है, जो कि औने पौने दाम पर उसे देना पड़ता है। तो इस तरीके से भारत में जो गैर संस्थागत लोन की जो व्यवस्था है, गैर संस्थागत ऋण की व्यवस्था है, उसके कारण से किसानों को ऋण के इस चंगुल में फंसना पड़ता है। यहाँ पे जो एक शब्द है संस्थागत, संस्थागत और जो है गैर संस्थागत, तो संस्थागत और गैर संस्थागत हम लोगों ने ये दो शब्द यहां पे देखा। संस्थागत से तात्पर्य जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था बनाई गई है, उन बैंकों के माध्यम से जो ऋण प्राप्त हो रहे हैं उसे हम संस्थागत ऋण के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इसके इतर किसी व्यक्तिगत आधार पर किसी महाजन से साहूकार से जो भी ऋण लिया जाता है वो गैर संस्थागत ऋण लिया जाता है। भारत में कृषकों के समक्ष ये बहुत बड़ी समस्या है कि उन्हें संस्थागत ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है, या ऋण प्राप्त भी होता है तो उसमें कमीशन होता है, उनके पास गारंटी के लिए कोई आधार नहीं होता है। इसलिए भारत में कृषकों के समक्ष ये बहुत बड़ी समस्या है और संस्थागत ऋण नहीं मिल पाता, गैर संस्थागत ऋण लेने के कारण से वो इसी जाल में फंसे हुए होते हैं। तो इस तरीके से पूंजी का जो स्रोत ये है और पूंजी का प्रयोग इन रूपों में हम लोगों ने देखा। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने आज के चैप्टर में जो उत्पादन पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से कृषि के बारे में जो है विभिन्न प्रकार के साधनों पर हम लोगों ने चर्चा किया, भूमि श्रम पूंजी इत्यादि के जो बारे में। अब यहां पर एक गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों की बात कही गई है। गैर कृषि आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत यहां पर जो है लघु निर्माण डेयरी और परिवहन, इसकी चर्चा की गई है। तीन प्रकार की जो गतिविधियां हैं। लघु निर्माण से तात्पर्य यह है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी लगता है, कच्चे माल की जरूरत होती है, इस तरीके की स्थिति यहां नहीं है निर्माण से। यहाँ ऐसे सरल निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिनका की जो है उपयोग भी आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें पूंजी की जरूरत नहीं है, श्रम की भी कम जरूरत होती है। कई बार ऐसे होते हैं कि बाहर से श्रमिक नहीं रखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के गांव की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए छोटे मोटे कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर दुकानें हैं, जैसे साबुन की दुकानें हैं, अगरबत्ती की दुकानें हैं और कुछ किराने से संबंधित सामान खरीदने बेचने से संबंधित दुकानें जो यहाँ की जो है अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जा रही है, अर्थात पालमपुर गांव के द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बताने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। डेयरी का तात्पर्य है कि दुग्ध जो उद्योग है उसे डेयरी के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो है दूध का उत्पादन किया जाता है, उसको एक जगह पे एकत्रित किया जाता है जिसको संग्रहण कहा जाता है, फिर उसका फ्रीजिंग किया जाता है, शीतलन किया जाता है ताकि उसको लंबे समय तक रोका जा सके और फिर उसका जो है वितरण सुनिश्चित किया जाता है। ये डेयरी उद्योग के अंतर्गत जो आता है, चूंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था में कृषि है वो किसानों के लिए खेती के साथ साथ पशुपालन की भी जो एक व्यवस्था बनाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो भारतीय किसान जो है खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है और उसमें जो दूध अपने लिए उपयोग में लाना है उससे बचे हुए दूध को वो डेयरी पर भेजता है और डेयरी पर पहुंचने के बाद उसका शीतलन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्पाद जो दूध से बनते हैं, दही है, मट्ठा है, घी है, इसको बनाया जाता है और जिनको जरूरत होती है उन तक उसे जो है पहुंचाया जाता है। तो ये व्यवस्था होती है डेयरी।
परिवहन के संदर्भ में है। जैसे वहां से जो है पालमपुर से 3 किलोमीटर की जो है दूरी पे यहाँ पे रायगंज एक जगह है जिसे इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो रायगंज जो है एक छोटा शहर तो नहीं कस्बा के रूप में है जो कि सड़क के माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है और यहाँ से बनी हुई जो चीजें हैं अतिरेक है, जैसे गन्ने की भी खेती वहां की जाती है तो गुड़ बनाया जा रहा तो गुड़ यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, अतिरेक जो उपज है अनाज का वो ले जा रहे हैं, दूध के जो उत्पाद है वो भी शहरों की तरफ या कस्बे की तरफ जो है ग्रामीण क्षेत्र से जाता है। तो इन पे जो परिवहन की व्यवस्था है वो बैलगाड़ी है, ट्रक है, जीप है, ये सारी चीजें जो है उस पालमपुर गांव में चलती हैं। कहने का मतलब इसके माध्यम से हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को जो है देखने का जो है प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से आपको समझने में एक मदद मिलेगी। इसके बीच बीच में हम लोगों ने कुछ आर्थिक शब्दावलियां जैसे कृषि कार्य किसे कहते हैं, गैर कृषि आर्थिक कार्य किसे कहते हैं, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, संस्थागत ऋण क्या होता है, गैर संस्थागत ऋण क्या होता है, कार्यशील पूंजी क्या होती है और अस्थाई पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी या उद्यम से क्या तात्पर्य होता है, इन सभी कॉन्सेप्ट या अवधारणाओं के बारे में आज के इस लेसन में जो है समझने का प्रयास किया। इस पे आधारित कुछ प्रश्न भी हैं जिसे हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के आधार पर वहां पे सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाना आसान होगा। और ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले परीक्षाओं में, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। और आप ये मानिए कि अगर हम कक्षा 10, 11 और 12 की एनसीईआरटी की सभी किताबों का बेहतर अध्ययन कर लेते हैं तो आने वाले समय में हमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जो बेसिक समझ है उसके लिए पुनः प्रयास नहीं करना होगा और बड़े परीक्षाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए तैयारी करने में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को भी समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, इसके माध्यम से एक समझ विकसित करने में आप लोगों को मदद मिला होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, तक अपनी पढ़ाई आप सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।